हे एमी, प्यास लगी है क्या? मैं इसका एक घूंट ले लूं? मुझे बहुत प्यास लगी है। हालांकि इन दोनों दोस्तों की प्यास एक ही है, लेकिन इनकी लंबाई का अंतर चीजों को बड़ा या छोटा कर देता है। चलो कुछ ऐसी ही चीजें देखें लंबे और छोटे लोगों में। स्नैक्स, मस्ती, मूवी नाइट ही होगी। तुम मानोगे नहीं, हमारी टीम जीत गई। हाँ वाह एमी, चलो ट्रॉफी को देखें। तुम देखते मुझे, मैंने क्या मजे से खेला। अब इसे देखो। हाँ, अपनी जीत की खुशी ऐसे दोस्तों के साथ मनाना बहुत बढ़िया है। तुम्हारी बारी सोफिया। ओह, पहुँच नहीं पा रहे है ना? ठीक है एमी, तुम अपनी छोटी दोस्त के लिए नीचे हो सकती हो, तो चलो। अब समय है आज के लिए तैयार होने का। चलो मिलते हैं बाथरूम। अगर आपकी हाइट सोफिया जितनी है, तो आपको ये सोचने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं कि आप शावर में फिट आएंगे या नहीं। इतनी जल्दी उसके बाल के लिए हो गई। और जब नहाने की बारी आती है तो चीजें बहुत आसान है। हे, ये बहुत अच्छा है, क्या ये मैंगो है? यम। एमी का शावर थोड़ा अलग दिखता है, क्या ये ऊपर नहीं हो सकता? चलो भी ऊपर जाओ। गुह, लगता है आज एमी स्क्वाट करके नहाने वाली है। हाँ, अब नीचे जाओ। जब आप एमी जितने लंबे होते हैं तो नहाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको शावर के नीचे बिल्कुल सही एंगल में सर रखना होगा। आउच, ये लगता है। मैं आज से ही बाथरूम रिमॉडल के लिए पैसे जमा करने शुरू कर रही हूँ। और नहाने के बाद आप थक जाते हैं और आपको लगता है कि शावर रिलैक्स के लिए होते हैं। जो भी है, एक और फ्राइडे नाइट, एक और पार्टी। हे एमी, डांस करना चाहोगी? और तुम सोफिया, मेरे साथ डांस करोगी? यिक्स, ये पार्टी बहुत बोरिंग जा रही है। रुको, मुझे पता है यहाँ क्या करना है। और लिम्बो कौन खेलेगा? हाँ, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। मैं यहाँ से पकड़ूंगी और बेला पहले जाएगी। अब करके दिखाओ दोस्त। लिम्बो एक बहुत मजेदार गेम है और ये कुछ लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही आसान होगी, लेकिन ये सारा खेल हाइट का है। ओह, ध्यान से। यस, तुम बहुत मुश्किल से गई एमी। चलो देखते हैं अब सोफिया कितने अच्छे से कर सकती है। घबराओ मत दोस्तों, मैं समझ चुकी हूँ। ठीक है सोफिया, चलो करके दिखाओ। क्या उसे बिल्कुल भी झुकने की जरूरत नहीं पड़ी? गुम देवी, मैं बता चुकी हूँ, मैं लिम्बो मास्टर हूँ। एक लोकल म्यूजियम में घूमना दोपहर बिताने का अच्छा तरीका है। वो इसको देखो, ये कौन होगा? क्या सिर्फ मैं सोच रही हूँ या फिर सच में इसका चेहरा ऐसा है? देखो मैंने क्या कहा। वो ये क्लासिक पेंटिंग देखो, इसको देखकर पक्का ऐसा लग रहा है जैसे हमको इंग्लिश कंट्री साइड में है। वाह, मुझे फूलों की खुशबू आ रही है, ये सच में अच्छा है। तुम क्या कर रही हो? मैं सपोर्ट बीम नहीं हूँ, माफ करना। वो ठीक लग रहा था, तुम्हारी हाइट बिल्कुल उतनी है और तुम गुस्से में बहुत अच्छी लगती हो। कुछ नहीं होता सोफिया, हम शॉर्टीज तुम्हें महसूस कर सकते हैं। वो इसकी कितनी लाते हैं, गंदा है। ओह हे एमी, तुम क्लास में 20 मिनट लेट हो, लेकिन लैब पार्टनर को फर्क नहीं पड़ता। सुपर मॉडल, अच्छी लग रही हो। हे, सीट के लिए शुक्रिया दोस्त, क्या चल रहा है? वाह, तुमने सारी क्वेश्चंस खुद कर ली, तुम बहुत स्मार्ट हो। हाँ, मुझे केमिस्ट्री पसंद है। लगता है इस लैब पार्टनर्स की जोड़ी स्वर्ग में बनी है। हे, इसमें क्या है? ध्यान से, ये बहुत गर्म है। ओह, वाह, क्या ये लड़का केमिस्ट्री में अच्छा है या क्या? हाँ, ये आँखों का प्यार है। हे, क्लास खत्म हो गई, क्या आइसक्रीम खाने चले? डेट पर साथ जाने से पहले ये ध्यान रख ले कि आप सेम लेवल पर हैं। लंबी लड़कियों की परेशानियाँ है ना? तुम बैठकर छोटी लग रही थी और तुम बैठे हुए लंबे लग रहे थे, और इस तरह से तुमने बॉयफ्रेंड खो दिया। ओह, माफ करना एमी। बेस्ट फ्रेंड के होने का फायदा है स्कूल के बाद समय बिताना, और उससे भी बेहतर आप उनकी अलमारी देख सकते हैं। वाह, एमी के कपड़े कितने प्यारे हैं। काश इसके पास मेरी पार्टी पर पहनने लायक कुछ हो। ओह, ये डेनिम शॉर्ट्स कितनी प्यारी है। बस ये ध्यान रखना कि आपकी लंबी दोस्त के कपड़े आप पर वैसे नहीं लगेंगे जैसे उस पर लगते हैं। ये जीन्स शॉर्ट्स ही तो है,
ये कितनी अलग लग जाएंगी। मैं ट्राई करूंगी। Hey Abby, क्या मैं ये जीन्स शॉर्ट्स उधार ले लूं? मुझ पर ये सैटरडे को बहुत अच्छी लगेंगी, प्लीज। हाँ, मैं मना क्यों करूंगी? सच में हाँ, मैं पार्टी के लिए तैयार हूँ, अगर तुम कहते हो सोफिया। क्या ये सच में हैंगर पर छोटी लग रही थी या फिर मुझे लग रहा है? हाँ, सोफिया ने बिल्कुल अपनी और एमी की हाइट पर ध्यान ही नहीं दिया था। हे भगवान, इसमें तो मेरी जैसी दो आ जाए। वैसे एमी, सोफिया तुम्हारे कोई कपड़े नहीं चुरा सकती। हाँ, आर्ट क्लास सबसे अच्छा पीरियड। सच में ये डेस्क कितने छोटे क्यों है? एमी जैसी लंबी लड़कियों के लिए स्कूल डेस्क में पैर रखने की जगह नहीं होती। देखा, मैंने मोड़ भी नहीं पा रही। कोई फायदा नहीं। हाँ, मैं यहाँ पर एक घंटे तक ऐसे ही बैठी रहूंगी। वैसे नहीं, मैं अब इसे और नहीं झेल सकती। मैं अपनी लंबी टांगों के साथ इन छोटे छोटे डेस्क से छुटकारा पाना चाहती हूँ। ऐसा लग रहा है तुम्हें वॉशरूम जाना है। हंस रही हो सोफिया? मैं सीरियस हूँ। ध्यान से एमी, तुम्हें लग जाएगी। और अपने देखो। नहीं, तुम्हारी पेंसिल्स। ओप्स, कम से कम मेरे पास काफी जगह है, कोई परेशानी नहीं। क्या आप एमी जैसे हैं या सोफिया जैसे? जो भी है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल 123 को सब्सक्राइब करें। ऐसे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे।